Good morning everyone and welcome to Nav Bharati family. Today I'm going to teach you the first chapter of class 10th by the name of How the Camel Got His Hump. Chapter का जो name है इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है How the Camel Got His Hump. ऊंट को जो कैमल होता है जो कैमल होता है उसको उसकी हम कैसे मिली. हम क्या होती है कैमल के ऊपर देखते हो कुबड़ होती है. हम मतलब कुबड़. यहां मैं लिख देती हूं हम का मतलब होता है कुबड़. ठीक है. कैमल को उसकी कुबड़ कैसे मिली. सो लेट्स बिगिन. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. दुनिया की शुरुआत बस हुई ही थी और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए काम कर रहे थे. ठीक है. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम. उस टाइम एक बहुत आलसी जानवर था जो कुछ भी नहीं करता था. वो बस जो कुछ भी नहीं करता था दैट डिड नथिंग और कुछ कहता भी नहीं था लेकिन वो सिर्फ हम कहता था. ठीक है. Even the clever jinn was at his wit's end. Even जो बहुत clever jinn था ना वो भी upset हो गया था इस चीज को लेके. ठीक है. ये हमारा हमें बता रहा था कि जो first part है how the camel got his hump में उसके अंदर क्या चीज होगा कि देखो the world had just begun. इसका मतलब कि दुनिया की जब शुरुआत हो रही थी ना it's been a very long time. पुरानी बात हो रही है. दुनिया की शुरुआत होने लगी थी ना तब जो एनिमल्स थे ना वो ह्यूमंस के लिए काम कर रहे थे. लाइक नया नया काम करना उन्होंने शुरू करा था. दे वर नॉट हैबिचुअल. ठीक है. उसमें एक एनिमल था लेजी एनिमल था. किस एनिमल की बात हो रही. कैमल की बात हो रही. जो कैमल था वो बहुत लेजी था. ठीक है. ना वो कुछ करता था ना कुछ कहता था बट उससे कोई भी कुछ भी बात करता था ना तो वो बस एक ही चीज कहता था हम. ठीक है. और हम का मतलब क्या होता है कुबड़. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, students, so let's start with first paragraph. All right. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man. शुरुआत में जब नई नई दुनिया थी और जो animals थे उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था. There was a camel. एक ऊंट हुआ करता था. And he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. और वो एक हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था क्योंकि उसको काम नहीं करना था. हॉलिंग का मतलब क्या होता है. ग्रेट मतलब बहुत बड़ा बहुत विशाल और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. हॉलिंग का मैं यहां लिख देती हूं ग्रेट. ठीक है. तो वो एक बहुत बड़े डेजर्ट में रहता था क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था. उसको काम नहीं करना था. He ate sticks and thorns and prickles and when anybody spoke to him, he said, hum, just hum and no more. वो sticks, वो लकड़ियां खाता, वो कांटे खाता, वो झाड़ियां खाता. ठीक है. और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता ना उस ऊंट से उस कैमल से तो वो एक ही वर्ड बोलता था हम. वो सिर्फ आंसर हम में ही देता था. बोलता हम हम हम. उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता था. ठीक है. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back. और फिर क्या होता है जो एक घोड़ा horse उसके पास जाता है with a saddle on his back. Saddle का मतलब क्या होता है. घोड़े के ऊपर जो सीट होती है ना उसको हम बोलते हैं saddle. Seat of horse. So जो घोड़ा है वो Monday morning को उस कैमल के पास जाता है विद द सैडल ऑन हिज बैक अपनी सीट के साथ. कैमल केम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. वो कैमल को बोलता है कैमल बाहर आ जाओ और हमारे साथ चलो. ठीक है. जो हॉर्स काम कर रहे थे अपना ह्यूमंस के लिए वो मेंस के लिए काम कर रहे थे इंसानों के लिए. तो जब वो अपनी सीट के साथ अपने सैडल के साथ सारा सामान इधर से उधर लेके जा रहे थे तो हॉर्स कैमल के पास जाता है. वो उसको बोलता है कि हमारे साथ चलो थोड़ा काम करो. ठीक है. हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन.
फिर जैसा कि मैंने बताया था कैमल सिर्फ एक ही वर्ड बोलता हम, तो कैमल ने क्या उसका जवाब दिया, कैमल ने बोला हम, और फिर क्या जो हॉर्स है वो चला गया और उसने इंसानों को बता दिया ये चीज कि मैंने उसको बोला काम करने के लिए, बट कैमल ने मुझे आंसर में क्या दिया हम। ठीक है, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, फिर क्या होता है, फिर एक डॉग उस कैमल के पास जाता है और डॉग के मुंह में क्या होती है स्टिक। ठीक है, मुंह में स्टिक लिए डॉग कैमल के पास जाता है एंड देन कैमल और कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर जो डॉग है मुंह में स्टिक लिए कैमल के पास जाता है, वो कैमल को बोलता है कि कैमल और कैमल हमारे साथ चलो और सामान खा के लेके आओ। फैच का मतलब होता है गो फॉर, किसी काम के लिए जाना। ठीक है, हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर से कैमल ने वही हरकत करी, कैमल ने बोला हम, फिर डॉग चला जाता है और डॉग आदमी को बता देता है। ठीक है, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद अ योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल और कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर क्या होता है, एक ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, जो बैल होता है उसको मॉक्स बोलते हैं। फिर बैल उस कैमल के पास जाता है और योक ऑन हिज नेक, योक क्या होता है, सी जो दो बैल होते हैं उनके गले में कुछ एक इक्विपमेंट होता है जो दो बैलों को जोड़ के रखता है, उसको हम बोलते हैं योक, योक। ठीक है ना, जैसे हॉर्स था, हॉर्स के ऊपर जो सीट होती है उसको सैडल बोलते हैं, वैसे ही जो बैलों, दो बैलों को जोड़ने के लिए जो चीज होती है ना उसको हम योक बोलते हैं। ठीक है, ऑन हिज नेक, फिर ऑक्स अपने गले में योक लिए उस कैमल के पास जाता है और बोलता है कैमल और कैमल हमारे साथ चलो और हल जोतो, हमारी तरह हम लोगों के साथ चलो हल जोतो, प्लस मतलब हल जोतना। ठीक है, तो यही चीज हो गई फिर से, और वही फिर क्या होगा, हम कैमल ने वही चीज फिर से बोली, हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर जैसे ही कैमल ने उसको हम बोला तो फिर ऑक्स भी चला जाता है और वो आदमी को बता देता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। फिर दिन खत्म होने के बाद जो आदमी है वो हॉर्स को और डॉग को और ऑक्स को अपने पास बुलाता है और उनको बोलता है 303 तुम तीनों को मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर यू, मैं तुम तीनों के लिए सॉरी हूं। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि तीनों एनिमल्स उस कैमल के पास जाते हैं उसको बताने के लिए कि हमारे साथ चलो और हमारे साथ काम करो। ठीक है, लेकिन कैमल क्या करता है, वो सिर्फ हम बोल देता है, बोलते है सिर्फ हम। ठीक है, फिर जो एनिमल्स होता है वो चले जाते हैं और वो आदमी को बता देते हैं कि हमने उनको काम के लिए बोला बट वो काम नहीं करना चाहते, उन्होंने बस हम पे हमारा आंसर दिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। फिर क्या होता है, बट दैट हार्म थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। ठीक है, जो आदमी है वो उन एनिमल्स को बोल रहे हैं जो हम्प थिंग है ना, वो हम्प करता रहता है, ये चीज इस रेगिस्तान में नहीं चलेगी, उसको यहाँ पे किसी भी हालत में आना होगा, जो आदमी है वो उस कैमल के लिए बोल रहा है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और अब मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूं और तुम लोगों को, क्योंकि कैमल काम नहीं कर रहा तो कैमल का जो हिस्सा है काम करने का अब वो उसको हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उस आदमी ने बोला कि तुम तीनों को वो चीज कवर करनी पड़ेगी, जो काम बच रहा है ना उस कैमल के वजह से, मतलब तुम तीनों को भी कैमल का काम करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, जब उन तीनों को पता, जब उन तीनों ने ये चीज सुनी कि उन तीनों को भी कैमल का काम करना पड़ेगा, तो ये चीज सुनकर उन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ठीक है, दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एज मतलब एकदम रेगिस्तान के किनारे पे, उन तीनों ने फिर क्या करा, एक पंचायत रखी रेगिस्तान के किनारे पे, किनारे पे,
एंड द कैमल केम चूइंग कट एंड लाफ एट देम. फिर वही कैमल चूइंग मतलब चबाना. कैमल आता है अपना चारा चबाते हुए और वो फिर उनके ऊपर हंसता है. ठीक है. ही देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन. फिर से कैमल ने वही हरकत करी. कैमल ने बोल दिया हम और वो फिर वहां से चला गया. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन. जिन क्या होता है? जिन जो जादुई सुना होगा ना जिन के बारे में तो आप लोगों ने. अलादीन मूवी देखी है उसमें जिन होता है ना उसी की बात हो रही है. ठीक है. तो है ना फिर क्या होता है कि जिन आता है वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डिजर्ट रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट. क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब रेगिस्तान है धूल उड़ती रहती है बादलों में. तो बस जो जिन है वो पूरे डेजर्ट का इंचार्ज है. ठीक है. और जिन ये सब बातें सुन के जिन आता है रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट. क्योंकि जिन चलता नहीं है वो हवा में उड़ता रहता है. ठीक है ना. तो जो धूल भरा बादल है धूल भरी बादल है तो वो जिन वहीं पे उड़ रहा था. ये चीज उसने सुनी फिर वो ये चीज सुन के आता है. ठीक है. तो इस पैराग्राफ में हमको ये चीज बता रखी है इन तीनों को प्रॉब्लम हुई. ठीक है. क्योंकि ये तीनों गए कैमल के पास. कैमल उनको हम बोल के भगा दिया. ठीक है. क्योंकि कैमल को कोई काम करना ही नहीं था. तीनों गुस्सा हो गए. तीनों ने इस मैन को बताया कि ये बात है हमने उसको काम के लिए बोला बट वो हम पम कर रहा था. फिर इस आदमी ने बोला कि हम वाली चीज यहाँ चलेगी नहीं उसको यहाँ पे काम करने के लिए आना होगा बट जब तक उसका जो काम है वो आप लोगों को करना पड़ेगा. ये चीज सुन के इन तीनों को गुस्सा आ गया कि हम उसका काम क्यों करें हम ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं. तो इन तीनों ने सोचा कि हम पंचायत रखते हैं. ठीक है. उन्होंने पंचायत रखी कहाँ? डेजर्ट के रेगिस्तान के किनारे पे. फिर वही जो कैमल है वो एकदम आता है खाना खाते मतलब च्यूइंग चबाते हुए वो आता है और इन तीनों के ऊपर हंसता है और हम बोल के फिर चला जाता है. ये चीज जिनको पता चली जिनी चीज नोटिस कर रहा था क्योंकि वो हवा में ही तैरता रहता है वो हवा में उड़ता रहता है. ठीक है. और जिन जो है वो पूरे डेजर्ट का इंचार्ज है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. फिर जो हॉर्स है जब जिन इन तीनों के पास जाता है तो हॉर्स जिन को बोलता है कि पूरे रेगिस्तान के जिन क्या आइडल मतलब क्या होता है लेजी आलसी. क्या किसी के लिए इतना आलसी होना सही है? हॉर्स जिन को बोलता है सर्टेनली नॉट सेड द जिन. जिन बोलता है वैसे तो नहीं. वेल सेड द हॉर्स देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही विल नॉट ट्रॉट. फिर जो हॉर्स है ना वो जिन को बोलता है कि डेजर्ट के बीच में एक थिंग है एक चीज है और उसकी ना बहुत लंबी नेक है. ठीक है. और उसके लंबे लंबे पैर है और उसने मंडे से एक भी काम नहीं करा है और ना वो हमारे साथ काम करने चलता है. ठीक है ना. तो जो हॉर्स है ना इन शॉर्ट जो हॉर्स है वो जिन से उस कैमल की शिकायत कर रहा है. उसको कैमल का नाम तो पता नहीं है तो वो बोलता है कि रेगिस्तान में एक चीज है जिसकी है ना लंबी नेक है उसके लंबे लंबे पैर है और है ना हमने उसको काम के लिए बोला बट उसने मंडे से कोई भी काम नहीं करा है और वो हमारे साथ काम करने चलता भी नहीं है. ठीक है. फ्यू सेड द जिन व्हिसलिंग. फिर एक जेस्चर होता है ना फ्यू ऐसे सीटी बजाने वाला जेस्चर होता है जिन वो करता है. दैट्स माय कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट. जिन बोलता है कि वो मेरा ऊंट है वो मेरा कैमल है. वो क्या बोलता है? जिन हॉर्स से पूछता है कि वो मेरा कैमल है वो आपको क्या बोलता है? ही सेज हम एंड ही विल नॉट प्लफ सेड द ऑक्स. फिर जो बैल है वो ऑक्स है वो बोलता है कि जो कैमल है वो सिर्फ हम को बोलता है और वो हमारे साथ हल भी नहीं जोतेगा. ठीक है. जो फिर क्या होता है जब जिन उससे पूछता है ना कि वो क्या बोलता है जब आप लोगों ने उसको काम के लिए बोला तो फिर बैल बोलता है कि है ना हम वो सिर्फ हम बोलता है और वो हमारे साथ हल भी नहीं जोतेगा. वेरी गुड सेड द जिन. आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली
वेट अ मिनट, फिर जिन बोलता है वेरी गुड, अगर आप मुझे अगर आप थोड़ी कुछ मिनट का वेट करोगे तो मैं उसको हम्प दे दूंगा। फिर जिन क्या बोलता है कि जो कैमल हम्प हम्प करता रहता है ना, अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो मैं उसको हम्प दे दूंगा, ठीक है ना। ये चीज हमारी ना फर्स्ट पार्ट में खत्म हो गई, यहां तक था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या होता है, उसको हम्प मिलती है या नहीं, वो काम करना शुरू करता है या नहीं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस। यहाँ पे चार क्वेश्चंस है और ये चार क्वेश्चंस अभी जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर का उसी से रिलेटेड है। एक बार मैं रीड करती हूँ। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइनिंग टू द डॉग एंड द ऑक्स। जो डॉग, जो बैल और जो कुत्ता था ना, उनको कौन सा टास्क दिया गया था, कौन सा काम करने के लिए दिया गया था, इसका आंसर आपको मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आपको आंसर ढूंढने हैं, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, चार क्वेश्चन समझाऊंगी, चार क्वेश्चन के आंसर इन्हीं पैराग्राफ में दे रखे हैं, सबके आंसर आप कॉपी में करोगे, ये आपका क्या है होमवर्क, ठीक है। व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ डेजर्ट। जो ऊंट है वो रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था, बताया था ना मैंने कि वो इतने बड़े रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था, तो आंसर इसी में है। व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। जो डॉग है, जो ऑक्स है और जो हॉर्स है, उन तीनों को गुस्सा किस बात पे आता है, पता है ना, जब वो मैन के पास जाते हैं और उनको पता चलता है कि उनको है ना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कैमल का काम भी उनको करना पड़ेगा, तो इस बात पर उनको गुस्सा आ जाता है। तो उसका आंसर ऐसा होगा, चेक करना और अच्छे से लिखना अपनी लैंग्वेज में। How did the jinn know the horse was complaining against the camel? जिनको कैसे पता चलता है कि है ना जो horse है वो camel के लिए complain कर रहा था, camel की शिकायत कर रहा था आदमी से, पता है ना, मैंने बताया था क्योंकि वो हवा में उड़ता रहता है और वो is in charge of the desert, ठीक है। तो ये चार questions हैं, बहुत easy questions हैं, इनके answer आपको इसी इन paragraphs में मिल जाएंगे, आपको इसके answers रीड करना, आंसर्स करना। तो दिस इज योर होमवर्क एंड वी आर डन विद द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर एंड देन आई एम गोना टीच यू अबाउट पार्ट सेकंड। देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, थैंक यू सो मच।